व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास लीगल परमिशन होना जरूरी है। उसके लिए आपको लाइसेंस प्राप्त करना होता है। नमस्कार, खाता बुक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। टाइटल से आप सब समझ गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में बिजनेस लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अंत तक की वीडियो देखिए यदि आप एक नया बिजनेस सेट करना चाहते हैं। हम बात करेंगे कि कौन कौन से लाइसेंस होते हैं और उनको किस तरह से प्राप्त किए जा सकते, किस टाइप का बिजनेस है, कितने मालिक हैं, वगैरह वगैरह। इन सब चीजों के आधार पर डिपेंड करता है कि कौन सा लाइसेंस या कोई और कागज आपके पास होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस प्रकार के बिजनेसेस होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, वन पर्सन कंपनी या OPC यानी कि एक व्यक्ति कंपनी, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें एक ही मालिक होता है, और है फंड कंपनी या निधि कंपनी। इनमें से किसी भी तरह के बिजनेस जो सेट करने के लिए आपको पहले पंजीकरण करना होगा और उसके लिए आपको संबंधित विभाग में कुछ कागज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। दोस्तों, अलग टाइप की कंपनी के लिए अलग प्रक्रिया होती है। किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, ये सब काम, पंजीकरण, कागजी कार्यवाही, फॉर्मेलिटियां पूरी करना आदि आदि, ये तो करना ही होता है। अलग अलग प्रक्रिया है अलग टाइप के धंधे के लिए। एक बार रजिस्टर हो गया आपकी कंपनी, फिर आप सरकार द्वारा जारी की गई बिजनेस लाइसेंस ले सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी के लिए उचित व जरूरी है। सरकार ने कुछ लाइसेंस केंद्र खोल रखे हैं और वे और नए केंद्र भी खोलने की प्रक्रिया में हैं। अब कौन सा लाइसेंस किसके लिए है और कैसे प्राप्त करना है, हम बात करेंगे उसके बारे में। भारत में बिजनेस लाइसेंस के प्रकार, दुकान और स्थापना लाइसेंस GST है, FSSAI है, फिर उद्योग उधार पंजीकरण, अग्निशमन विभाग लाइसेंस और वायु और जल प्रदूषण परमिट TAN, व्यावसायिक कर यानी कमर्शियल टैक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। लाइसेंस कैसे प्राप्त करें? दुकान और स्थापना लाइसेंस, यदि आप एक दुकान डालना चाहते हैं तो राज्य की सरकार से आपको ये लाइसेंस प्राप्त करना होगा। कोई दुकान, मूवी थिएटर, मॉल, रेस्टोरेंट आदि और प्रशासनिक कार्यालय खोलने के लिए ये चाहिए होगा। अब इसका आवेदन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दुकान की फ्रंट व्यू फोटो, निगमान का पात्र, कंपनी का AO या MO, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, मालिकों का और वर्कर्स का विवरण। दोस्तों, पंजीकरण की प्रक्रिया हर स्टेट में अलग होती है, पर अधिकतर सब सेम ही होता है। आप ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं, तो कर्मचारियों की संख्या के आधार पर आपको लाइसेंस के लिए कुछ फीस भरनी होगी। ध्यान रखिए, हर स्टेट के लिए अलग राशि होगी इस फीस की। जीरो वर्कर है यदि तो ₹100 हो सकता है, जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतना ही अमाउंट बढ़ता जाएगा। GST, दोस्तों जब ये आया था तब पूरी दुनिया हिल गई। वस्तु एवं सेवा कर एक जरूरी टैक्स है, ये ज्यादातर हर वस्तु और सेवा पर लागू होता है। तो किस किस को इसका आवेदन करना जरूरी है? यदि 40 लाख से अधिक का कारोबार है तो इसका पंजीकरण करना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है reg.gst.gov.in, इस पर जाइए और रजिस्टर कीजिए। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, OTP आएगा आपके फोन पर, वो वहां पर डालिए, विवरण दीजिए अपनी कंपनी का और आसानी से रजिस्टर कीजिए FSSAI। दोस्तों, इसका नाम आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा। FSSAI भोजन से संबंधित कानूनों को लागू कर दिया। निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, विक्रेतों, किसानों और आपूर्तिकर्ताओं को और साथ में सही खाद्य बिजनेस वालों को ये वाला लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। लाइसेंस जारी करने से पहले लाइसेंस आवेदक राज्य और केंद्रीय एजेंसियों का निरीक्षण करते हैं। हालांकि मूल पंजीकरण आवेदकों को 3 से 7 बिजनेस डेज में मिल जाता है ये लाइसेंस। उद्योग आधार पंजीकरण MSME, सारे नए और छोटे धंधों को MSME लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसका आवेदन भी ऑनलाइन हो जाता है, बहुत आसान है। आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, udyamregistration.gov.in। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप खाता बुक की वेबसाइट पर जा सकते हैं इसकी पूरी डिटेल्ड प्रक्रिया जानने के लिए। अग्निशमन विभाग लाइसेंस, ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं जिसमें से आग निकलती है या जिनको जलने का खतरा होता है, जैसे गैस, पेट्रोल वगैरह, ये सब होटल, पेट्रोल पंप आदि चलाने वालों को इस लाइसेंस की आवश्यकता है। इसके लिए हर स्टेट में अलग प्रक्रिया है दोस्तों,
आप अपनी स्टेट के अग्निशमन विभाग की वेबसाइट पर जाके आवेदन कीजिए। आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, मुख्य अग्निशमन अधिकारी एक निरीक्षक को आवेदन भेजता है। पूरी जांच के बाद आपके लिए 3 साल का लाइसेंस जारी किया जाएगा, आपको रिन्यू करना होगा बाद में। वायु और जल प्रदूषण परमिट। दोस्तों, प्रकृति की रिसोर्सेज का प्रयोग करने वाले जो धंधे हैं और साथ में जो प्रोडक्शन बिजनेसेस हैं, उनको ये परमिट चाहिए होता है। दोस्तों, ये परमिट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शासित और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी होता है। इसमें भी हो सकता है स्टेट टू स्टेट कुछ अलग अलग प्रक्रिया। आवेदन करने के लिए इनकी वेबसाइट पर जाइए और सीधा आवेदन डाल दीजिए। सबसे पहले NOC या CTO प्राप्त करिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को साइट का विवरण देना होगा। प्रदूषण नियंत्रण योजना और उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ एक एप्लीकेशन डालनी होगी और फिर वेबसाइट पर जाकर पूरा पंजीकरण आसानी से कर दीजिए। TAN टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, यानी TAN एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। ये केंद्र सरकार के तहत आयकर विभाग द्वारा दिया जाता है। ये बहुत आसान प्रक्रिया है। व्यवसाय कर या वृत्ति कर, भाइयों ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है। हालांकि सब लोगों के लिए ये टैक्स अनिवार्य नहीं होता है, तो ट्रेड वाले, बिजनेस वाले लोग, हमारे जैसे दुकानदार आदि को इसका आवेदन करना बहुत जरूरी है। भाइयों, किसी भी प्रकार के काम करने के लिए, व्यवसाय के लिए कानूनी फॉर्मेलिटियां होती ही हैं, कागज लगते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है और लाइसेंस भी होना चाहिए काम शुरू करने से पहले। बिना लाइसेंस के कई काम अटक जाते हैं और बिना सरकारी कार्यवाही के कोई काम डालना सही भी तो नहीं है ना। एक सफल, ईमानदार और फायदेमंद बिजनेस करने के लिए जरूर इन निर्देशों का पालन कीजिएगा। तो इसी के साथ भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विदा लेता हूं। अगर आप सब भाई लोग जानना चाहते हैं कि PMEG लोन कैसे प्राप्त करें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। कमेंट्स में जरूर बताइए आप अगले वीडियोस में क्या क्या देखना पसंद करेंगे। नमस्कार।